मैं गृह मंत्री जी बोले उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, एक बात मुझे स्मृति में आती है कि जब आप बूथ सम्मेलन में पधारे तब आपने कहा था कि कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं। आज भी बैठक छोड़ के हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं, जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सब कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, महाराजा सूरजमल की धरती से ऐसा आवाज आएगा क्या? गहलोत जी तक आवाज जानी चाहिए, भरतपुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। राजस्थान में सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया पत्रकार जरा बैठ जाइए, पीछे हमारे सारे कार्यकर्ता दिखाई पड़े, बैठ जाओ भैया जरा सेट कर कर। मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, आज के इस विराट कार्यकर्ता महाकुंभ में मंच पर उपस्थित राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, श्री कैलाश चौधरी जी, श्री अरुण सिंह जी, हमारे संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता, राजस्थान के नेता और गुजरात में भी पार्टी बनाने में जिनका बड़ा योगदान है, ऐसे श्री ओम प्रकाश माथुर जी, श्रीमती विद्या राहतकर जी, श्री राजेंद्र गहलोत जी, श्री संजीव बालियान जी, श्री कनकमल कटारा जी, श्रीमती रंजीता कोहली जी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, मनोज रजौरिया जी, और अभी अभी जो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष बने हैं, ऐसे मेरे मित्र भाई राजेंद्र राठौर जी, उप नेता श्रीमान सतीश पुनिया जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज मैं यहां आया हूं, यह भूमि मैया काली देवी की भूमि है, मदन मोहन जी की भूमि है, त्रिनेत्र गणेश जी की भूमि है, और मंचकूश ठीक लाडली जगमोहन की भूमि है। इस सबको मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज राजस्थान की इस वीर भूमि पर राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी, बाबा रामदेव जी, गोगा जी महाराज, बबू जी महाराज, भगवान देव नारायण जी, गुरु जम्बेश्वर जी और देव बाबा जैसे लोक देवताओं को भी प्रणाम कर मैं यहां अपनी बात की शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले भरतपुर में आया हूं, जिन्होंने देश को मुगलों के शासन के मुक्त कराने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो वीर सूरजमल जाट महाराज को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, सूरजमल जी ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया था, यहां लोहगढ़ के किला ऐसा निर्माण किया
जिसको मुगल कभी हरा नहीं सके वो सूरजमल जी को बार बार प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज यहां पर चार जिले और 19 विधानसभाओं के 8640 बूथ के बूथ अध्यक्ष और बूथ के महामंत्री, ऐसे हमारे 24,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां मौजूद है। आप सभी एक बार भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजाकर कार्यकर्ताओं का स्वागत करिए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब पूरे देश भर में पंचायत से पार्लियामेंट तक पार्टी की विजय पताका मोदी जी के नेतृत्व में फहरा चुकी है। एक जमाने में कांग्रेस के नेता संसद में हमें ताना लगाते थे, हम दो हमारे दो का सूत्र भाजपा ने अपनाया है, हमारे दो ही सांसद थे, मगर आज वो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का भी स्टेटस नहीं रहा है। मित्रों, ये जो दिन है, आज ये भारतीय जनता पार्टी का यश है, ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तार है, वो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के पराक्रम और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर है। और कोई पार्टी नेताओं के आधार पर चल सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी विजय प्राप्त करती है, आप निश्चित मानकर चलना वो विजय मेरे बूथ पर खड़े हुए बूथ के कार्यकर्ता का विजय है। मित्रों, मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर देश के चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है। अभी अभी राहुल बाबा ने बड़ी यात्रा करी, देश भर में पैदल चले, अच्छा ही किया, मगर मैं एक पत्रकार सम्मेलन में गया तो पत्रकारों ने पूछा कितनी बड़ी यात्रा कर आए, नतीजा क्या होगा। मैं कोई इतनी बड़ी यात्रा कर आए, कांग्रेस के घर जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति की, भारत को सुरक्षित बनाया, भारत को समृद्ध बनाने की नींव डाली, घर घर तक शिक्षा पहुंचाने का कार्यक्रम किया है और गरीब कल्याण का हमारा जो सूत्र है उसको मोदी जी ने चरितार्थ किया है, इसका परिणाम है कि चुनाव कहीं पर भी हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्व में हो या दक्षिण में कर्नाटक में होने वाला हो, विजय भारतीय जनता पार्टी की ही होती है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश के 13 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा, 3 करोड़ से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई, 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों के लिए बनाने की शुरुआत की, लगभग कोरोना का 230 करोड़ लोगों को टीका लगाया। इतने सारे कार्यकर्ता है, बताओ भाई कोरोना के दोनों टीका मिल गए या नहीं मिले हैं, जरा हाथ ऊपर करो तो मिले हैं या नहीं मिले हैं। मोदी जी ने भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया, हर घर में शौचालय पहुंचाया, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य के खर्चे की चिंता से मुक्त कर दिया, 80
2.25 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं और इसके साथ साथ 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यहां पर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी, अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, उतरना नहीं चाहता। पायलट जी कहते हैं मैं बनना चाहता हूं। भैया काहे को लड़ रहे हो, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। एक खामखा झगड़ा कर रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे पायलट जी, आप कितना भी करो आपका नंबर नहीं आएगा। आपका कंट्रीब्यूशन शायद जमीन पर थोड़ा गहलोत जी से ज्यादा हो सकता है, मगर कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका नंबर नहीं लगेगा। माताओं भाइयों बहनों, इन लोगों ने राजस्थान को लूटने का काम किया है। एक गहलोत सरकार राजस्थान में आजादी के बाद आई हुई भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकारों में से एक सरकार, एक गहलोत सरकार है। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब बूथ के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जा रही है। मोदी जी के काम के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर और मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनने वाली है। और इसके बाद 24 में फिर से एक बार गहलोत जी कान खोलकर सुन लीजिए, फिर से एक बार तीसरी बार राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी है। माताओं भाइयों बहनों, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और पन्ना प्रमुख की उपस्थिति कोई हरा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को विजय अपना निश्चित है। माताओं भाइयों बहनों, 2014 में हमने 25 सीटें जीती, 19 में 25 सीटें जीती, 23 में 2/3 बहुमत से जीतेंगे और फिर से एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की 24 में 25 से 25 सीटें लाएंगे। मित्रों, अभी अभी वसुंधरा जी ने कहा कि विकास के बहुत काम किए हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। वसुंधरा जी थोड़ी लिहाज रखने वाली नेत्री है हमारी। वसुंधरा जी, सिर्फ कानून और व्यवस्था के आंकड़ों में नेगेटिव विकास नहीं हुआ, परिवारवाद का विकास भी इस गहलोत सरकार ने किया है। गहलोत सरकार ने वंशवाद का विकास किया है, जातिवाद को भड़काने का काम किया है और इसके साथ साथ तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करकर राजस्थान के अंदर हिंसा का नंगा तांडव करने का इनको अधिकार दिया है। राजस्थान की जनता त्राही त्राही पुकार चुकी है। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस 9 साल में कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को समाप्त कर दिया। आज किसी की हिम्मत नहीं है भारत की सरहद पर हमारे जवानों का सर काटने की, क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक हिमाकत की थी उरी और पुलवामा में, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर मोदी जी ने आतंकवादियों का सफाया किया था। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों, यहां पर गहलोत सरकार में 2 दर्जन से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, मगर गहलोत साहब अभी भी सत्ता चाहते हैं।
क्यों गहलोत साहब, सेंचुरी लगानी है क्या? राजस्थान की जनता आपको अब मौका नहीं दे सकती। हर क्राइम के हर हेड के अंदर नए रिकॉर्ड बने हैं, और इसके साथ साथ महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले खूब बढ़े हैं। अलवर के थाना गाजी में पति के सामने पत्नी पर बलात्कार किया गया, महिला शिक्षक को राजधानी में जिंदा जलाया गया, दौसा में आदिवासी महिला पर गैंगरेप किया गया, बलोत्रा में दलित महिला पर रेप कर उसे एसिड से जला दिया, और बुजुर्ग महिला के पैर काटकर कड़े निकालने की भी घटना हुई है, मगर गहलोत जी के सर पर जू नहीं रेंगती। भाइयों और बहनों, ये तुष्टिकरण में टॉप मार्क लेने वाली सरकार है। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में अवैध खनन को रोकने के लिए बाबा विजयदास जी को आत्महत्या करनी पड़ती है। छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे होते हैं, मगर गहलोत सरकार वोट बैंक की लालच में कोई कड़े कदम नहीं उठाती। हमारे गुजरात में भी बम ब्लास्ट हुए थे, राजस्थान में भी बम ब्लास्ट हुए थे, वसुंधरा जी की सरकार थी, सबको पकड़कर जेल में डाला, फांसी की सजा हुई, गुजरात में भी फांसी की सजा हुई, हाईकोर्ट में अपील थी, वोट प्राप्त करने के लिए गहलोत सरकार ने ढंग से आर्ग्यूमेंट नहीं किए और सारे बम ब्लास्ट के आरोपी छूट गए। अरे गहलोत जी, शर्म करो, शर्म करो, जो मर चुके हैं, बम ब्लास्ट के विक्टिम है, इनके मृत्यु पर आप राजनीति कर रहे हो, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, आप क्या समझते हो? राजस्थान की जनता समझती नहीं है, इस सारी चीजों को राजस्थान की जनता देख भी रही है, सुन भी रही है और मन भी बना चुकी है, आपका जाने का समय अब निश्चित हो गया है। ये सरकार सिर्फ अब अपना संवैधानिक आयुष्य पूरा कर रही है, ये सरकार जनता के मन पर से उसी दिन निकल गई जिस दिन रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी और भगवा झंडा लगाने पर आपने प्रतिबंध कर दिया। गहलोत जी, राजस्थान की सरकार जनता सहन नहीं करेगी आपकी तुष्टिकरण की राजनीति का, चप्पे चप्पे पर वोट देकर जवाब देगी। आप क्या समझते हैं, चुप रहेगी राजस्थान की जनता? आपने वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा की है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सरकार 3D के आधार पर चलती है। पहला डी दंगे का डी है, दूसरा डी महिलाओं से दुर्व्यवहार का डी है, और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का डी है। ये 3D सरकार राजस्थान की जनता अब नहीं रहने देगी। बेकार युवा, बेरोजगार युवा देश में सबसे ज्यादा दर से अगर बेरोजगारी कहीं बड़ी है तो राजस्थान के अंदर बड़ी है। मित्रों, ये पायलट जी कोई भी बहाना कर यहां पर धरने पर बैठ जाए, मगर समझ लो कांग्रेस पार्टी में मैं पायलट जी को भी कहने आया हूं, आपका नंबर पायलट जी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा उस तरह से कांग्रेस के खजाने में कंट्रीब्यूशन आपका कम है, आप कर नहीं सकते हो। गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया है, और भ्रष्टाचार का खजाना कांग्रेस के खजाने में गया है। मित्रों, मोदी सरकार ने राजस्थान के अंदर ढेर सारा विकास किया है, राजस्थान के अंदर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं,
जन औषधि केंद्र बनाए हैं। लगभग कपास और धान की एमएसपी, धान में 2040 रुपया, कपास में 6080 रुपया करी। राज्य मार्ग और मुख्य विकास कार्यों के लिए 1600 किलोमीटर सड़क दी है। 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। 81,20,000 शौचालय बनाए हैं। हमारे गजेंद्र जी बैठे हैं, जल जीवन मिशन के अंदर 4272 करोड़ रुपया खर्च करकर, ताली बजा दो एक बार गजेंद्र के लिए, 4200 करोड़ रुपया खर्च कर राजस्थान के हर धानी में, हर गांव में, हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया है। लगभग 1228 किलोमीटर की सड़कें समाप्त हो चुकी है और हर घर में शौचालय भी बना है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहने आया हूं, आप मुझे एक बार बताओ, मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से हाथ ऊपर कर बने बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? अरे सिर्फ नारे से नहीं बनेगा, अगर मोदी जी को, अरे सुनो युवाओं, सुनो बाद में नारा लगाओ, मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो उसके पहले एक ट्रेलर आ रहा है। 2023 में राजस्थान के चुनाव का ट्रेलर में कलर दिखा दो गहलोत को, अपने आप 25 में से 25 सीट आ जाएगी। मुझे बताओ, 2/3 बहुमत से सरकार बनाओगे, कमल को खिलाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, महाराजा सूरजमल को याद कर मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।